अभी 2 दिन पहले पिछले पिछले मैच में कम्युनिटी में हमने एक पोस्ट किया था, आपको याद होगा। ये वो पोस्ट है जहां पर हमने आपके सामने रखा था कि एक पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग देखा गया कनाडा के, जो लगातार वो मैचेस खेल रहे हैं इस राउंड की। अगर हमने इस राउंड को ही पिक किया था कि उसमें एक चीज नजर आ रही है कि वो जो है इस इतनी बेहतरीन तरीके से उनके माइंड में ये फीड है कि हम ODI क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट नहीं। बिल्कुल बहुत बेहतरीन से फीड कराया गया है और सब लड़कों को बहुत बहुत बखूबी पता है कि हमारा रोल क्या है और ODI क्रिकेट में किस तरह से बैटिंग करनी है। इसमें आपको बताया कि 58% सिंगल्स उन्होंने लिए हैं, सिंगल डबल्स यानी भाग भाग कर रन स्ट्राइक रेट किया है इस पूरे 3 मैचेस में, आज का मैच छोड़कर। आप उसमें देखिए कि कितना ज्यादा परसेंटेज रन बिटवीन द विकेट का था और आज भी उसी प्लान पे वो उस प्लान से वो टस से मस नहीं हुए, जबकि आज वो महज 197 चेज करते हुए हमें नजर आ रहे थे। आज 200 रन टीम ने किए, लास्ट ओवर चौका ही चला गया, 200 किया, उसमें से 127 रन टीम ने सिंगल डबल्स और ट्रिपल्स से लिए। सिर्फ 72 रन उन्होंने बाउंड्री से किए, बाकी सब एक्स्ट्रा से आए, यानी 60% से ऊपर रन आज भी कनाडा ने दौड़ कर लिए हैं और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इतने बेहतरीन। और ये कम्युनिटी में जो पोस्ट किया था ये एग्जैक्टली वापस से सही साबित हुआ, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि ODI क्रिकेट को ODI क्रिकेट की तरह ही हमें लेना चाहिए, इसमें हवाई फायर खराब शॉट्स की गुंजाइश नहीं होती। और अगर आप इसको T20 क्रिकेट के हिसाब से लेने की जाने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ वक्त तक के लिए या 2-3 मैचेस के लिए आपको सक्सेस मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी और मजबूत 50 ओवर टीम कभी नहीं बन पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था 3 मैच के बाद ही आज कनाडा ने फिर से साबित कर दिया। वेल डन गाइस, बेहतरीन। ये 50 ओवर का इंटेंट देखकर नजर आता है कि हाँ ये होती है 50 ओवर की एक बेहतरीन टीम, जिसे पता होता है कि हमें चेस कैसे करना है, डिफेंड कैसे करना है, स्कोर लगाना कैसे है, ये सारी चीजें। वेल डन गाइस, हाल ही बहुत अच्छा। सिर्फ 4 जीत की बात नहीं है, जिससे क्रिकेट खेला है उन्होंने। अगर आपने मैचेस देखे होंगे कनाडा के चारों, तो आपको पता चलेगा कि ये 4 मैचेस उन्होंने सिर्फ ऐसे ही तुक्के में नहीं जीते, क्रिकेट खेला है और अलग अलग प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया है, इसीलिए कमेंडेबल परफॉर्मेंस है कनाडा की, जो 50 ओवर क्रिकेट में चाहिए होती है। एंड आज के मैच में घुसते हैं, शुरुआत हमेशा की तरह पैटर्न के साथ फेस बाय फेस। जरूर, 110 ओवर की बात करें तो यहाँ पर माफ कीजिएगा, स्कॉटलैंड ने 52 रन बनाए, 52 रन बिना किसी विकेट के, और 56 रन और कोई यहाँ पर नुकसान हुआ नहीं। वही कनाडा ने उसके बाद बात करें, कनाडा ने 42 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। पहला फेज जो है वो स्कॉटलैंड के नाम रहा, दूसरा फेज उसके बाद बात करें 11 से 40 का, उसमें 126 रन 107 रन बनाए स्कॉटलैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ कनाडा ने इस फेज टू में 11 से 40 में 126 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, बहुत बड़े मार्जिन से ये फेज कनाडा के नाम रहा। डेथ फेज 41 से 50 में 34 रन बनाए स्कॉटलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं 32 रन जोड़े कनाडा ने इस डेथ फेज में, कोई विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं और इसी फेज में मैच भी ले गए और तीनों दो फेज भी अपने नाम कर कर ले गए। बिल्कुल, अब एक चीज और करिए, 50 ओवर क्रिकेट को 50 ओवर क्रिकेट के हिसाब से लेने का एक बहुत बड़ा एग्जांपल होता क्या है रिजल्ट, ये आप देखिए। 197 रन पर स्कॉटलैंड में पहला फेज जो है स्कॉटलैंड ने जीता दोनों ही तरफ से, पहले बैटिंग करते हुए भी, पहले बॉलिंग करते हुए भी, लेकिन उसके बाद दोनों ही फेसेस बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी स्कॉटलैंड को कनाडा ने मात दी है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ODI क्रिकेट में आपके पास अगर आपको शुरू में विकेट नहीं मिले तो पुरानी बॉल से भी आप गेम में आ सकते हैं, बस आपकी कप्तानी और आपकी जो बॉलिंग है वो एरियाज कहीं ना कहीं सटीक होने चाहिए और आप टाइट करके रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको 50 ओवर का इंटेंट है, सिंगल डबल्स लेने का आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली आप इस गेम को एक तरफा भी दिखा सकते हैं। और फेस बाय फेस में देखकर ऐसा लग रहा है कि कनाडा ने क्रश कर दिया है स्कॉटलैंड को, अगर आप फेस बाय फेस देखेंगे सिवाय एक फेस के। चलिए अब बात करते हैं स्कॉटलैंड की यहाँ बैटिंग की, एंड बैटिंग स्कोर कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है, स्कोर आप ऑलरेडी देखिए, स्कोर को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एंड सीधे तौर पर मैं चाहूंगा, जबरदस्त शुरुआत टीम को मिली थी, शुरू के 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा। मैं सीधे पूछना चाहूंगा, यहां पर हुआ क्या बीच में, एक जबरदस्त कोलैप्स हम वर्ड यूज कर सकते हैं या पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते, हमें कनाडा के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और देना होगा, तो किन किन को वो बाद में बात करेंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के बैटिंग पर्सपेक्टिव से आप कैसे देख रहे हैं? नहीं सर, देखिए शुरुआत तो अच्छी चल रही थी, जबरदस्त अच्छा यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे प्लेयर्स, लेकिन उसके बाद जो हर्ष ठाकुर आए, उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग का एग्जीक्यूशन किया है सारे बॉलर्स ने, वो आज कमाल कर रहा है। आप देखिए, बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं, उनको गिफ्ट में मिले नहीं है, ना ही रैश शॉट खेले गए हैं। जरूर चार्ली टियर उस शॉट से बच सकते थे, जब आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड पॉइंट मौजूद है तो रिवर्स स्वीप लगाने का वहां पर कोई फायदा नहीं है, जब प्लेयर ना हो तब आप उस रिवर्स स्वीप को ट्राई करें। उन पर थोड़ा प्रेशर बन रहा था, जरूर है प्रेशर बन रहा था, 50 का स्ट्राइक चल रहा था जरूर, उसके बाद वो उसको खोलने के लिए प्रेशर को रिलीज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन
तरीका एक होना चाहिए जो आपने पिछले इनिंग में दिखाया था। और उसके बाद जॉन मिल्स एक लॉफ्ट उठाने गए, बॉटम हैंड उनका छूटा, और बॉटम हैंड जब आपका छूट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और यहाँ हर्ष को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, जरूर देना, उन्होंने फ्लाइट डिलीवरी डाली और मिल्स को चेस किया। बिल्कुल सही कहा आपने, मिल्स हट गए थे स्टंप से, लेग की तरफ चले गए थे वो अपने स्टंप की तरफ, लेकिन उनको फॉलो करते चले गए वो, और उसके बाद उनका बॉटम हैंड छूटा और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे हमने कहा भी बॉटम हैंड छूटने के बाद, और फंस गए लॉन्ग ऑन में जाकर। रिची बैरिंगटन भी सेट हो रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि शायद ये बॉल थोड़ा सा और उठेगा तो मैं स्क्वायर लेग की तरफ पंच कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, बॉल हल्का सा नीचे रह गया, कमर की हाइट तक रह गया, उनको लग रहा था शायद चेस्ट तक आएगा, लेकिन एज लगा और विकेट कीपर ने उनका कैच जो है बहुत अच्छा कैच था जरूर ले लिया। और उसके बाद विजय रखने अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए, थोड़ा लेजी थे, स्लॉपी थे, थोड़ा सा फास्ट हो तो बेहतर होगा। विजय रत्न आज जो स्लॉपी की वजह से ही वो रन आउट हुए, वरना वो बच सकते। बिल्कुल रायन, हम यहाँ पर फिलहाल स्कॉटलैंड की बैटिंग की बात जी माफ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं भूल ही गया था जी, सॉरी मुझे बार बार वो विजय रत्न का आउट काफी याद आ रहा था क्योंकि वो भी वो ओपनिंग आते हैं, माफ कीजिएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरीके से मैथ्यू क्रॉस को बोल्ड मारा है अमार खालिद ने, अगर हम बात करें, सॉलिड बॉल थी वो भी सेट हो गए थे। सेट होने के बाद बैट्समैन आज जो आउट हुए हैं वो गलती की वजह से नहीं हुए हैं स्कॉटलैंड की, वो क्लिनिकल बॉलिंग की वजह से हुए हैं। हर्ष ठाकर का फील्डिंग लगाना हो उसके मिड विकेट, चलिए आप सीधा बॉलिंग कार्ड पे ही चला जाए। इसके बाद लोअर ऑर्डर ने साथ नहीं दिया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, जहां लोअर ऑर्डर में बहुत ज्यादा रन करते हैं स्कॉटलैंड की बल्लेबाज, सुपर फेलियर रहा है आज लोअर ऑर्डर। बिल्कुल सही कहा, मार्क वाट जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो करते हुए नजर नहीं आया लोअर ऑर्डर में, बाकी ब्रेडविल ने 24 रन कहीं ना कहीं किए हैं। एंड इसी एनालिसिस को मैं वहां पर समझना चाहूंगा, बॉलिंग कार्ड की तरफ हम चलेंगे अब, क्यों बहुत लोगों को लग सकता है कि बहुत बड़ा कोलैप्स हमें देखने को मिला, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने मैचेस गौर से देखे और जो डिलीवरीज देखी होंगी, हम चाहेंगे आप आईसीसी टीवी पे जाकर हाइलाइट्स एक बार जरूर चेक करिए, सारे विकेट्स देखिए स्कॉटलैंड के जो बॉल रखी गई है, किस तरीके की फील्डिंग प्लेसमेंट हर्ष ठाकरे ने ली थी अपनी बॉलिंग में, वो कितना फ्लाइट रख रहे थे अपनी बॉल पर, और पुरानी बॉल से पेसर्स ने क्या कमाल का काम किया कनाडा के, ये क्रेडिट हमें देना होगा। और ये एक बार की बात नहीं है, ये पिछले मैच में भी देखने को मिला था जब यूएई भी पहले फेस में कोई विकेट नहीं खोया था, उसके बाद कनाडा ने जोरदार वापसी की थी। एंड बॉलिंग कार्ड तो सब देख रहे हैं, बॉलिंग कैसी रही है समझाइए। एक छोटी सी चीज पहले बोल देना चाहूंगा कि सॉरी, लेकिन जो आपने कहा हाईलाइट देख लीजिएगा, हाईलाइट से आप बॉलर का मेहनत नहीं अंदाजा लगा सकते, बॉलर ने किस तरीके से मेहनत की है आज विकेट लेने। मैंने स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कहा कि विकेट्स कम से कम जरूर जरूर, लेकिन वो हम यहाँ शो नहीं कर सकते। सही कहा आपने, बहुत ज्यादा आज बॉलिंग जो दिखी है बहुत बेहतरीन रही है, बैक ऑफ लेंग शॉर्ट बॉल्स का बहुत ट्राई किया गया है, स्टार्टिंग में पावर प्ले कम पावर प्ले होने की वजह से वो फायदा नहीं हो पाया, शॉर्ट बॉल बैक ऑफ लेंग वो बार बार पार कर जा रहे हैं उसको, जो 30 yards है उसे क्रॉस कर जा रहे हैं, कभी बॉल फुल ज्यादा ट्राई नहीं किया है आज पेसर्स ने। अमार खालिद हो, डिलॉन हेलिजर हो, कलीन सना हो, सब ने गुड लेंथ और या बैक ऑफ शॉर्ट लेंथ जो बैक ऑफ लेंथ बॉलें ज्यादा रखी हैं, ऊपर चढ़ के बॉल बार बार आ रही है बैट्समैनों के, बहुत अच्छा लगा देखकर कि आज बहुत बेहतरीन पुरानी बॉल से जो पेसर्स विकेट ले रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, पुरानी बॉल से आदत डाली है विकेट लेने का, नई बॉल से वो आपको नेचुरल स्विंग आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, कलीम सना जैसे कराते हैं। और एन कहीं ना कहीं ये भी हमें देखना पड़ेगा, जो कलीम सना का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उस फेस में उन्होंने बॉलिंग कराई है जब स्कॉटलैंड 56-0 था अपने पहले फेस में, उस फेस में उनका आप इकॉनमी देखिए, बॉलिंग देखिए, मेडल ओवर में निकाला, तो वो जो फेस रहा है कलीम सना का वो कमाल का, इसीलिए कलीम सना काफी बेहतरीन और स्टैंड आउट पेसर है कनाडा के लिए अगर देखें, और वन ऑफ द बेस्ट भी निकलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। एंड अब चेस की यहाँ बात की जाए कनाडा की, अगर चेस की अगर बात की जाए तो चेस की तरफ यहां अगर आगे बढ़े तो चेस जो रहा है कनाडा का शुरुआत काफी खराब रही है लगातार, कहीं ना कहीं आप देखें मेरे ख्याल से 20-25 रन के अंदर ही टीम ने चार विकेट अपने खो दिए थे, 34 पे चार विकेट अपने खो दिए थे शुरुआत में, लगातार बैटिंग विकेट थे, और यही टीम की खासियत रही है, सब स्कोर ऑलरेडी यहां पर देख पा रहे हैं, लेकिन यही यहां पर टीम की खासियत रही है यहां पर कि शुरू के मैच में आप देखेंगे तो विजय रत्ने लगातार रन कर रहे थे, उनके साथ एरन जॉनसन, एरन जॉनसन थोड़ा सा जरूर जरूर, उसके बाद नेक्स्ट मैच प्रगट सिंह ने यहाँ पर बैटिंग कर दी, उसके बाद देखें हम तो हर्ष ठाकरे ने सेंचुरी लगा दी, इस मैच में हर्ष और निकोलस कीर्तन ने पार्टनरशिप कर दी और श्रेयस अय्यर आगे कर दी। यही चीज हमने पिछले मैच में कहा था कि कनाडा एक प्लेयर पर डिपेंडेबल बिल्कुल नहीं है, अगर हर्ष का आज झंडा निकला है तो यकीन मानिए उसके उसी मैच में शायद निकोलस चलने वाले। जी हाँ,
बिल्कुल आपका क्या ख्याल है, क्योंकि उसमें भर भर के सिंगल्स लिए गए थे, पर उस पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं जल्दी से। जरूर, और बहुत बेहतरीन रहा है वो पार्टनरशिप। सिंगल्स पर ज्यादा जोर दिया गया, डबल्स पर ज्यादा जोर दिया गया, बॉल की मेरिट पर ज्यादा खेला गया, देखकर बहुत अच्छा लगा। 157 गेंदों में 107 रन की पार्टनरशिप हुई है, बहुत ज्यादा। तो कईयों के लिए ये उबासी या नींद भरी इनिंग है अगर आप कहें तो, लेकिन इससे लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, एक्चुअली का लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, खाली बोलने के लिए नहीं, सीखने के लिए वाकई में है। और जो अदर टीममेट्स हैं कनाडा के भी, वो भी इसे गौर से देख रहे होंगे, कोच ने भी, कोचों के लिए भी यहाँ सीखने के लिए हो जाता है, क्योंकि लर्निंग है, आप लर्न कहीं से भी कर सकते हैं। कुछ कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिस तरीके से ये लोग बल्लेबाज खेले हैं, बहुत निकोलस थोड़ा सा और जा सकते थे लेकिन वो भी खैर, लेकिन एक पार्टनरशिप जो करके गए हैं वो पूरा मैच को लगभग एकदम कॉर्नर में लाकर उन्होंने खड़ा कर, बिल्कुल लगातार सिंगल्स लिए है इस जोड़ी ने। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की इनिंग्स देखकर आपको उबासी आए, एट द एंड आपकी टीम जीत जाए, तो आप चाहेंगे आपको हर मैच में उबासी आए, आपकी टीम जीतना जरूरी है। और आप चार के चार मैच टीम ने जीते हैं। एंड हर्ष ठाकुर की इनिंग के साथ मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, हर्ष ठाकुर के जो स्कोरिंग एरियाज रहे हैं वो जानना जरूरी है, बैक टू बैक 2 सेंचुरी ऑलरेडी उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया, उसके बारे में बात कम्युनिटी में होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक चीज जरूर है, उन्होंने हर जगह का इस्तेमाल किया है, बैकफुट पर जाकर, स्पिनर्स पर खेला है, लेकिन जो उनके फेवरेट जोन रहे हैं स्क्वायर लेग, मिड विकेट, पॉइंट और मिड ऑफ, ये उनका सबसे पसंदीदा एरिया रहा। मिड ऑफ में भी 14 रन उन्होंने किए हैं, तो लगभग रन्स उनके हर जगह आए हैं। सिंगल्स पे बहुत बेहतरीन उन्होंने निकाले, कट का भी निकाला, फिर स्क्वायर लेग की तरफ कलाइयों का इस्तेमाल भी किया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप, शतक मारा है लेकिन सिर्फ 8 रन उन्होंने पीछे लगाए, फाइनल अगर थर्ड मैन, ये तो बल्लेबाजी की काबिलियत है, बहुत अच्छी काबिलियत है। ये उल्टी उठ पटांग शॉट या अजीबोगरीब शॉट पर बिल्कुल भी वो नजर ही नहीं दे रहे थे उन पर, बॉल की जैसा हमने कहा बॉल की मेरिट पर वो खेल रहे थे। और एक चीज जरूर है कि शायद वो कवर की तरफ जो है शॉट लगाने से भी बच रहे थे, काफी बच रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे या तो बैकफुट पर जाकर पॉइंट की तरफ खेल लूं, या फिर कलाइयों का इस्तेमाल कर मैं स्क्वायर लेग या बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेल। बिल्कुल, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है, बाकी और भी कई सारी डिटेल्स में बात कम्युनिटी में करेंगे हर्ष ठाकुर की इनिंग के बारे में, एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया है। एंड स्कॉटलैंड की बॉलिंग की तरफ चला जाए, अब सीधे सीधे तौर पर बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी मेरे ख्याल से ब्रेड क्यूरी और ब्रेड विल ने, जी हाँ, सबसे शुरुआत इन दोनों बॉलर्स ने दिलाई। 10 ओवर में पूरी तरह से कहेंगे कनाडा को बैकफुट पर धकेल दिया, 197 डिफेंड करने के लिए जो तैयार शुरुआत चाहिए थी वो मिली। उन 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 दो बॉलर्स ने ऐसा क्या अलग किया इन कंपेयर टू अदर बॉलर्स, और अदर बॉलर्स जो मिड फेस में क्या वो नहीं कर पाए? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें तो बॉलर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर की है, पैरों पर भी, पैरों का स्टंप लाइन पर भी बॉलें मारी, चाहे ब्रैड व्हील हो, ब्रैड क्यूरी हो, उन्होंने विकेट कीपर को सेम एज यूजुअल विकेट कीपर को ऊपर लिया, चिपका कर रखा, लाइन लेंग अच्छी रखी, उन्होंने 10 ओवर में 36 रन करीब उन्होंने दिए हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। पर फर्क नजर आया जब उसके बाद जो अदर बॉलर आए वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए अपनी बॉलिंग में, वो कहीं ना कहीं एक सेट टारगेट नहीं ढूंढ पाए कि हमें बॉलिंग को रखना कहाँ है, बहुत ज्यादा क्यों, क्योंकि रन सिंगल्स डबल्स बहुत अच्छी तरह आ रहे थे। यही मैं कहने जा रहा था एंड कि बैट्समैन एरर करने कर ही नहीं रहे थे इतना कि बॉलर को मौका मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्हें कोई एक जगह नहीं मिल रही थी कि शायद यहाँ पर ये बल्लेबाज तकलीफ हो रहा है, यहाँ पर इस बल्लेबाज को दिक्कत हो रही है, ये हर्ष और निकोलस ने होने नहीं दिया, मेक श्योर किया कि हम जैसा बार बार हम कहेंगे बहुत शानदार बॉल की मेरिट पर अगर आप इनिंग खेलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। एशिया में सेना टीम को दिक्कत इसलिए होती है कि वो बॉल की मेरिट पर क्रिकेट नहीं खेलते, टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, वो बॉल की मेरिट को भूल जाते हैं, बार बार स्वीप स्वीप और स्वीप को ही वो अपना हथियार बना लेते हैं, उनको लगता है स्पिन को टैकल करने का सिर्फ स्वीप ही तरीका है, नहीं, सीधे बल्ले का आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बहुत बेहतर होगा, बॉल अगर ऑफ स्पिन है तो उसे ऑफ साइड पर ही धकेलिए ना कि नेक साइड पर, ये बॉल की मेरिट है। और एग्जैक्टली यही किया है आज हर्ष ने और उसके बाद निकोलस ने, दोनों ने बहुत शानदार तरीके से प्लान को फेल कर दिया अदर बॉलर्स के, खासकर मार्क वाट के, अगर वो सेटल इन हो जाते तो बहुत तकलीफ हो जाती, तो शायद 150 में पैक होता कनाडा, जरूर कनाडा को बहुत तकलीफ होती, लेकिन उनको भी यहाँ सेटल इन होने नहीं दिया। बाकी बॉलर्स, बाकी लाइन और लेंथ भी भटके, बाद में ब्रैड व्हील आया, उनका भी थोड़ा लेंथ खराब रहा जब वो बाद में अपनी ओवर लेकर आए।
बिल्कुल। एंड इसी से एक चीज मुझे याद आ गई जो आप अभी कह रहे थे कि स्वीप ही एक तरीका नहीं है स्पिन को टैकल करने का, विराट कोहली उससे बेटर एग्जांपल और कोई हो नहीं सकता। जरूर सर, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, लेकिन आज की डे में यहाँ पर देखें तो हर्ष ठाकुर और श्रेयस मोवा ने एक प्रॉपर एग्जाम्पल सेट किया है किस तरह की ओडीआई इनिंग, पिछले मैच में किया था हर्ष ने, यहाँ वापस से रिपीट किया, तो वेल डन गाइस, बहुत बेहतरीन इनिंग रही, कमाल की रही है। इस जिस तरह से आपने विकेट खेला और जिस तरह से आप चार मैचेस जीते हैं उस तरीके को डेफिनेटली जरूर अप्रिशिएट हम करेंगे, कमाल परफॉर्मेंस यहां पर कनाडा ने दिखाया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल। जी हाँ।